दोस्तों आजकल हमारे आसपास में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है जिनकी मदद से हम ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मतलब आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंटरनेट की मदद से बेच सकते हो। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है, जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों इसी चीज को हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। मार्केट में जितने भी अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है हम उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हर ऑप्शन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो खत्म होते होते आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर आ जाए कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। और दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा क्योंकि हाल फिलहाल YouTube पे और इंटरनेट पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उनको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मार्केट में कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन है आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। देखिए दोस्तों आप खुद जानते होंगे फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस, उसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो और उनको सेल कर सकते हो। उसी प्रकार इंस्टाग्राम के ऊपर आप पेज बनाकर प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और बहुत सारे लोग व्हाट्सअप की मदद से भी एक दूसरे को प्रोडक्ट का लिंक शेयर करके भी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो दोस्तों आपके पास सबसे पहला ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। चलिए इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपलोड कीजिए और उसके बाद में उसको बेचना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आपको कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि दोस्तों ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनके ऊपर बहुत सारे यूजर्स होते हैं, तो जिनको भी आपका प्रोडक्ट पसंद आता है वो डायरेक्टली परचेस कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये आपके प्रोडक्ट की रीच को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं जिससे आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहला, ये कंप्लीटली अनप्रोफेशनल तरीका है बिजनेस करने का। दोस्तों अगर आप एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, पांच दस प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिस्ट करके बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ब्रांड क्रिएट करें, अपने बिजनेस को स्केल करें, बड़े लेवल पे ले जाएं, तो इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज, जो भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको ये पता होता है कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो कोई बिजनेसमैन से नहीं खरीद रहे हैं, वो कोई इंडिविजुअल आदमी है जो प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपके बिजनेस की अच्छी इमेज क्रिएट नहीं होती है। दूसरा डिसएडवांटेज, दोस्तों ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले बहुत बार सोचता है क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों आप खुद जानते होंगे अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है तो जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो इसका फायदा बहुत ज्यादा उठाते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज, इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। सपोर्ट नहीं मिलता मतलब ना तो आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके मिलता है, ना ही कुरियर कंपनी के साथ टाई अप करके मिलता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बेच भी दिया तो सारा काम आपको ही करना पड़ता है, पेमेंट भी आपको ही कलेक्ट करना है, इसके बाद में प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे डिलीवर करना है वो भी आपका लुकआउट होगा, तो ये सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। दूसरा ऑप्शन, आप एज ए रीसेलर काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको बहुत सारी रीसेलिंग एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसके अंदर आपको सिंपली अपने आप को रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है उसको आपको सिलेक्ट करना है, अपने लेवल पे उसको प्रमोट करना है और आप अपने हिसाब से उसको बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उन एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रोडक्ट 1000 रुपए का है और आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट तो 1500 रुपए में बिक सकता है, तो आपको सिंपली क्या करना है उस प्रोडक्ट को अपने आसपास के या अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करना है और अगर प्रोडक्ट बिक जाता है तो कंपनी 1000 रुपए रख के रिमेनिंग जो 500 रुपए होगी वो आपको दे देगी, तो पर प्रोडक्ट के ऊपर आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस ऑप्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, आपको कोई भी प्रोडक्ट रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी इन्वेंटरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया रीसेलिंग एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रोडक्ट ऑलरेडी मिलता है, सिंपली आपको उनको शेयर करना होता है, प्रोडक्ट बिकता है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। दूसरा एडवांटेज, आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, इस प्लेटफॉर्म पे भी आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करना शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज है, ये जो रीसेलिंग एप्लीकेशंस होती है इनके पास खुद की इन्वेंटरी नहीं होती है जिसके कारण प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो दोस्तों आप खुद सोचिए जिनके प्रोडक्ट आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं उनका ही क्वालिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो आपका भी क्वालिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। और मान लीजिए आपने अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो वो उसको रिटर्न कर देगा और नेक्स्ट टाइम वो आपसे कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो दोस्तों ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज,
दोस्तों आप अपना ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ना तो आपके नाम से वेबसाइट है और ना ही आपके नाम से एप्लीकेशन है। इनकेस अगर फ्यूचर में आपको एक्सपांड करना है, स्केल करना है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप किसी और के प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर वो एप्लीकेशन बंद हो जाती है तो आपका बिजनेस भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तीसरा डिसएडवांटेज दोस्तों, ये जो रीसेलिंग एप्लीकेशन है, ये इतना प्रमोशन करवाती है कि आजकल सबको पता है कि रीसेलिंग एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप इनमें से कोई प्रोडक्ट चूज करके किसी को व्हाट्सएप की मदद से या फिर फेसबुक की मदद से बेचने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले को पहले ही पता चल जाता है कि इसने खुद का बिजनेस शुरू नहीं किया है, ये किसी रीसेलिंग एप्लीकेशन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करके हमको बेच रहा है। तो प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन, एप्लीकेशंस की मदद से आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल हमारे आसपास में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है जो आपको ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करके देती है। तो आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के बाद में अपने प्रोडक्ट को उसमें अपलोड कर सकते हो और अपने कस्टमर्स को बेच सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन इसके भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला एडवांटेज, आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी भी एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल है, मैक्सिमम एप्लीकेशन आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में क्रिएट करके देती है। दूसरा एडवांटेज, आपको पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करके मिलता है, मतलब आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आप कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अलग अलग मोड से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। तीसरा एडवांटेज, आपको कुरियर कंपनी के साथ भी टाइप करके मिलता है, मतलब दोस्तों ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के बाद अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है तो कुरियर कंपनी आपकी लोकेशन तक आएगी, प्रोडक्ट को पिकअप करके कस्टमर के एड्रेस तक डिलीवर कर देगी। चलिए अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज दोस्तों, आपका जो ऑनलाइन स्टोर होता है वो आपके डोमेन के नाम से क्रिएट नहीं होता है, एप्लीकेशन के सब डोमेन पे क्रिएट होता है। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। यूआरएल आपका कुछ इस तरीके से होगा, एप्लीकेशन का नाम डॉट, आपके स्टोर का नाम .com। दूसरा डिसएडवांटेज दोस्तों, अगर आप इस तरीके का ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं तो आप अपना ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके डोमेन के नाम से आपको स्टोर क्रिएट करके नहीं मिलता है, कंपनी के मतलब एप्लीकेशन के सब डोमेन पे मिलता है। तो अगर आप कितने भी बड़े लेवल पे बिजनेस करें, सबको पता रहेगा कि इस एप्लीकेशन के ऊपर आपने अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया है। इसके अलावा आप अपने बिजनेस को स्केल भी नहीं कर सकते। तीसरा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज दोस्तों, आप अपने स्टोर के लिए SEO नहीं कर सकते। आई होप आप जानते होंगे SEO क्या होता है। SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए या ई कॉमर्स स्टोर के लिए SEO करते हैं तो आपको गूगल की तरफ से भर भर के ट्रैफिक मिलता है, और आपकी वेबसाइट पर जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतने ही आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा ऑप्शन, आप मार्केट प्लेसेस के ऊपर प्रोडक्ट को अपलोड करके बेच सकते हैं और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो Amazon, Flipkart, Snapdeal, ये मार्केट प्लेसेस हैं, इनकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला एडवांटेज दोस्तों, ये जो मार्केट प्लेसेस होते हैं इनके ऊपर रोजाना बहुत सारे यूजर विजिट करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मार्केट प्लेसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। इनकेस अगर आप अपने विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप मार्केट प्लेस के अंदर ही एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, ये जो मार्केट प्लेसेस होते हैं ये सेलर को बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको कुरियर कंपनी के साथ टाइप करके मिलता है, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अगर इनके मार्केट प्लेसेस पे कोई भी प्रोडक्ट बिका तो कुरियर कंपनी डायरेक्टली आपके प्लेस पे आएगी, प्रोडक्ट को पिकअप करेगी, उसके बाद में आपके कस्टमर तक डिलीवर करके आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी तरह तरह के सपोर्ट मिलते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज, कैश ऑन डिलीवरी और 30 डेज रिटर्न पॉलिसी की वजह से सेलर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दोस्तों आप खुद जानते होंगे ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा नुकसान होता है रिटर्न की वजह से। तो कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं, ऑर्डर तो प्लेस करते हैं लेकिन ऑर्डर जब उनके लोकेशन पे पहुंचता है तो ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, पेमेंट भी करते नहीं है, जिससे प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है। इसके अलावा 30 डेज रिटर्न पॉलिसी की वजह से कस्टमर प्रोडक्ट को लेता है, यूज करता है, उसको पसंद नहीं आता तो वो रिटर्न कर देता है, जिससे सेलर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा डिसएडवांटेज दोस्तों, अगर इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको हाई कमीशन पे करना पड़ता है। कमीशन चार्जेस होता है लगभग 10% से लेकर 20% के बीच में। अब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट 1000 रुपए का बेच रहे हैं तो उसमें से 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तो आपको सिर्फ कमीशन का पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, जिसका प्रोडक्ट सस्ता मिलता है कस्टमर उसी का प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है। तीसरा डिसएडवांटेज दोस्तों, आप अपना ब्रांड क्रिएट नहीं कर सकते,
क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके नाम से नहीं है, आप किसी और के प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो आप आज बेचें, एक साल बाद तक बेचते रहें या दो साल तक बेचते रहें, आप हमेशा उस प्लेटफॉर्म के सेलर काउंट होंगे। आपका खुद का ब्रांड कभी क्रिएट नहीं होगा, आप अपने बिजनेस को स्केल भी नहीं कर पाएंगे। पांचवा ऑप्शन, दोस्तों मार्केट में बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप अपने लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करके बेचना शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, आप अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको जो चार ऑप्शन बताए उसमें ब्रांड क्रिएट करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करते हैं तो आप अपना ब्रांड क्रिएट कर पाएंगे और चाहो तो ब्रांड को बड़ा भी बना सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। दोस्तों जो ई कॉमर्स स्टोर आप बनाने वाले हैं वो आपने खुद ने बनाया है, तो उसके अंदर आपको अगर कुछ भी ऐड करना है, कुछ हटाना है, कुछ डिलीट करना है, तो सारा आपके हाथ में होता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैंने आपको जो चार ऑप्शन बताए उसमें कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता है, इसलिए आप अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते। तीसरा एडवांटेज, आप गूगल के फ्री ट्रैफिक का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए आप SEO कर सकते हैं और SEO की मदद से आपको गूगल की तरफ से भर भर के ट्रैफिक मिलता है, और जैसे कि मैंने कहा था आपकी वेबसाइट पे जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतने ही आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिकने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि आपको हर महीने का मंथली सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है और मिनिमम शुरू होता है $29 से, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में करें तो हो जाता है लगभग 2200 रुपया। तो हर महीने आपको 2200 रुपया पे करना पड़ता है उस वेबसाइट बिल्डर को ताकि आपकी वेबसाइट अच्छे से चल सके। दूसरा डिसएडवांटेज, दोस्तों इस ऑप्शन में आप सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, ना ही आपके बिजनेस को बढ़ाने में कोई हेल्प मिलती है। तीसरा डिसएडवांटेज, दोस्तों आपको वेबसाइट भी खुद बनानी पड़ती है, बनी बनाई वेबसाइट आपको नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो वेबसाइट बिल्डर होते हैं इनके अंदर सारे प्लगिंग सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट क्रिएट करनी होती है और बहुत ही सिंपल होता है, कोडिंग की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये एक डिसएडवांटेज कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि पैसे देने के बाद भी काम आपको ही करना पड़ता है। छठा ऑप्शन, दोस्तों मान लीजिए आपने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली लेकिन आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप CSV फाइल परचेस कर सकते हैं। देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारी ड्रॉप शिपिंग कंपनीज है जो CSV फाइल बेचती है। अब ये CSV फाइल होता क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। CSV फाइल एक तरह की एक्सेल फाइल होती है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अगर आपने वो CSV फाइल परचेस कर ली तो एक सिंगल क्लिक में आप सारे प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला एडवांटेज है, एक सिंगल क्लिक में लाखों प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, आपकी वेबसाइट के ऊपर जब लाखों प्रोडक्ट होते हैं तो कस्टमर को लगता है कि ये बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है, इसके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप CSV फाइल परचेस करते हैं तो क्या डिसएडवांटेज होता है। देखिए डिसएडवांटेज यही होता है कि आपके पास एक्चुअल में इन्वेंट्री होती नहीं है और आपको ये भी नहीं पता होता है कि जहां से आपने CSV फाइल परचेस की है उनके पास स्टॉक में प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर मान लीजिए वहां पे स्टॉक में प्रोडक्ट नहीं है और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाया हुआ कि प्रोडक्ट स्टॉक में है और कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर देता है, एक बार ऑर्डर प्लेस होने के बाद में आप जब चेक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट तो आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा, आप कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पाओगे, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपकी रेपुटेशन खराब होगी और नेक्स्ट टाइम से कस्टमर आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा और ना ही कोई प्रोडक्ट परचेस करेगा। तो दोस्तों मार्केट में ये 6 ऑप्शंस अवेलेबल है जिनकी मदद से आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कौन से बिजनेस में एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट में एक कंपनी है जिसका नाम है श्रुति क्रिएशन बिज, आप इनके साथ जुड़ के भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इनके ऊपर डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इनकी सारी डिटेल देख सकते हैं। पर मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये आपको वेबसाइट क्रिएट करके देते हैं, जो वेबसाइट क्रिएट करके देते हैं वो आपके नाम से क्रिएट करके देते हैं, सब डोमेन पे नहीं मिलती है, आपके डोमेन के नाम से आपको क्रिएट करके मिलती है। उसके बाद में मान लीजिए आपने वेबसाइट बनवा दी, उसके बाद में आपके पास प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, तो ये आपको 8000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं जिनको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करके बेच सकते हो, और वो भी अपने प्राइस में। मान लीजिए इनके किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 1000 रुपया, आप उसको 1500 रुपये में बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, 500 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 1000 रुपये खाली आपको इनको देना होगा। इसके अलावा आप अपने खुद के प्रोडक्ट तो अपलोड करके बेच ही सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करके देते हैं
और साथ ही साथ में कुरियर कंपनी के साथ टाई अप करके भी देते हैं। तो जब भी कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा तो कुरियर कंपनी वाला आपके लोकेशन पे आएगा, प्रोडक्ट को पिकअप करेगा और कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर देगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इनके साथ जुड़ते हैं तो ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प भी करते हैं, मतलब ये आपको अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया मास्टरी कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग का मैं आपको बता दूं हर हफ्ते में 2 बार आपको ट्रेनिंग मिलती है, महीने में 8 बार और साल में 96 बार आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है। मतलब ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाता है कि सोशल मीडिया की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हो और 15 दिन में 1 बार क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट को आप वहां पे पूछ सकते हो। तो इस तरीके का सपोर्ट ये आपको प्रोवाइड करते हैं। इनके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये आपको मनी बैक गारंटी भी देते हैं, मतलब दोस्तों अगर आप इनके साथ जुड़ते हैं और आपका बिजनेस नहीं चल पाता तो आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उसका 50% अमाउंट आपको रिटर्न मिल जाता है, जो कि और कोई कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। तो अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी दिया है, उसमें भी आप अपने डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आप अपने डिटेल भर देंगे तो कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और आगे की जानकारी आपको दे दी जाएगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, ताकि उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ताकि आपका नॉलेज और भी इंप्रूव हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।